तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा, तो इसके पहले वाला वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ से आप लोग देखिए चारों तरफ ये वाला देख सकते हैं। इस वाले वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी वीडियो बनाया गया है, वहाँ से भी जाकर आप लोगों को मिल जाएगा। और ठीक सामने आप लोगों को महल की तरह खंडहर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और इसके अंदर चलते हैं, देख सकते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसमें मिल के पीछे है और इसके आगे मिल है, तो इसी रूम के अंदर से रास्ता है जाने के लिए। तो चलते हैं रूम के अंदर, देखते हैं वहाँ से रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं धूप इस समय काफ़ी तेज़ है, और यहाँ से देख सकते हैं गंदगी ज़्यादा है, और इधर पौधे छोटे छोटे उगाए हैं और इधर बड़े बड़े हैं। दीवार पर भी पौधे चढ़ चुके हैं और उसके ऊपर भी पौधे जम चुके हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दरवाजे खिड़के कई टूट चुके हैं और कई खुले भी हैं, और दो तीन ऐसे दरवाजे हैं जिसमें ताला लगा हुआ है अभी। तो इधर सब लड़के आते हैं घूमने के लिए, देख सकते हैं। चलते हैं इसके अंदर, अभी इसके अंदर जाएंगे, देखते हैं वहाँ से क्या होता है। यहाँ से देख सकते हैं खिड़की में जाली लगी हुई है और रूम आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैस चारों तरफ से ऐसे ही खिड़कियाँ बनी हुई है, और यहाँ पे दो नल है पानी पीने का भी सुविधा है, यहाँ कोई आता नहीं है। तो जो लोग आते हैं इधर घूमने के लिए तो पानी भी पीते हैं। तो देख सकते हैं चारों तरफ खेत है, और उधर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है उधर रेलवे ट्रैक है, वो बड़े जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं चार पांच, वहाँ पर एक घर भी है और उसी रास्ते से रेलवे ट्रैक भी है, तो वहाँ से देख सकते हैं। और इधर एक और नल है, एक वहाँ पे नल है और एक पास में नल है, दो नल हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए। तो एक नल अभी ख़राब हो चुका है, यही वाला नल पानी दे रहा है अभी जो आप लोगों ने देखा। तो यहाँ से आप लोग चारों तरफ दे सकते हैं, और मिल के ऊपर धुआं निकलने वाला। और यहाँ से चलते हैं लाइन से, ये ऐसे ही लाइन से है। तो यहाँ से मिल के पीछे का सीन आप लोगों ने देख लिया। तो अब इसमें एक दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं अंदर कहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो इसी दरवाज़ा ही है, टूट चुका है, और इसके अंदर चलते हैं देखते हैं। और इसके ठीक पीछे खेत है, तो इसमें जो लोग रहते होंगे वो अच्छे से रहते होंगे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और उधर ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ थे तो उधर नहीं चलते हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं खेत भी है, और चलते हैं आगे। और आगे यहाँ से देख लीजिए, तो इसी रास्ते से हम लोग रूम में आए हैं। अब इसके अंदर चलते, रूम के अंदर चलते हैं, देखते हैं रूम के अंदर क्या है। तो ये अलमारी है रूम के अंदर, और इधर गैलरी भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से टूट चुका है। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, तो इस रूम में देख लीजिए, यहाँ से भी जो इसमें यहाँ लगे हुए हैं बोर्ड, तो बोर्ड भी यहाँ पे उजाड़ चुका है, किसी ने चुरा लिया होगा या उजाड़ दिया होगा। तो यहाँ से आप लोग चलते हैं इस दरवाजे के अंदर, देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए,
फर्श भी फूट चुका है और दीवार पे लत्ती भी चढ़ी हुई है पौधों की। अंदर चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए अलमारी है और अंदर दरवाज़ा है, तो दरवाजे के अंदर से चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कितने दरवाजे टूटे हुए हैं और ईंट भी टूट चुकी है। तो ये सारा है, इसे यार्ड इंग्लिश में यार्ड कहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, और इस रूम में देख वही रूम है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखलाया। तो बाहर निकलते हैं, चलते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं काफ़ी बहुत बड़ा है। तो यहाँ घूमने के लिए आपको देखने के लिए चारों तरफ अब कम से कम एक दिन तो लग ही जाएंगे। तो समय मिला तो यहाँ पर मैं आया था, तो सोचा आप लोग को वीडियो ही दिखला देता हूँ। जो लोग नहीं यहाँ पे आ सकते देख सकते हैं, यहाँ पे पौधे भी जम चुके हैं। अब चलते हैं, यहाँ का सीन देख लीजिए चारों तरफ ऐसे ही बनाए गए हैं पौधों की वजह से, नहीं वजह था। तो इसका वीडियो और इसका वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चारों तरफ ग्राउंड है और इस महल का मैंने वीडियो काफ़ी अच्छी से बनाया है, तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, इसी चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ से चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं और ये ग्राउंड है। तो चलते हैं इसके अंदर और इस खंडर के अंदर देखते हैं क्या है। इस अंदर चलते हैं रूम में और यहाँ से आप लोग को कुछ दिखलाते हैं। तो यहाँ पे इसी का भी दरवाज़ा टूट चुका है और अलमारी भी है इसमें, देख सकते हैं ऊपर भी फर्श भी टूटा हुआ है और बोर्ड भी उखड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, और इधर तो गैलरी है और इधर भी देख सकते हैं। तो चलते हैं इधर, उसके अंदर जाना है, काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं और उसमें अंधेरा भी है। तो चलते हैं अंधेरे के अंदर, और ये टूट चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके अंदर चलते हैं, तो वहाँ से आप लोग हमको दिखलाएंगे। तो यहाँ पे मकड़े के जाले लगे हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इधर। और अब लोग हम चलते हैं इसके अंदर, यहाँ से देखेंगे आप लोग, और रूम के अंदर चलते हैं। रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा है और चारों तरफ साफ से दिखलाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हैं। और इधर आप लोग देख लीजिए एक ओसारा के तरह बनाया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रूम में काफ़ी अंधेरा है और जंगले की वजह से धूप है, तो वहाँ से लाइट आ रही है तो दिखलाई दे रहा है, नहीं तो अंधेरा ही रहता है इसमें। तो चलिए अभी इससे निकलते हैं आगे, अब चलते हैं दूसरी तरफ। ऐसे ही सारे रूम हैं, तो रूम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए हैं, तो अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। तो इधर चारों तरफ आप नज़ारा देख सकते हैं, और यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ, और एक खंडर है छोटा सा है उसमें चलते हैं, तो वहाँ देखेंगे। तो आप लोग आने जाने का रास्ता है चालू रहता है, तो इसी के अंदर गए थे। अब चलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कितना टूट चुका है। तो इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा है और इसमें भूत भी हो सकते हैं। तो निकलते हैं अब यहाँ से बाहर, और इसी
गेट से हम लोग अंदर आए थे वैसे ही टूट चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये खंडहर आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।